ये प्रसिद्ध विचारनायक तीर्थ है। श्रीनगर में सबूरा के नजदीक एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ विचारनायक, ये मेन उसका कुंड है जो आज पानी की तरह, वहां की शिव प्रतिमा जो डूबी हुई है, हाँ इसके बीच में हुआ करता था, जो आज डूबा है क्योंकि पिछले 30 साल से 31 साल से कोई इसे अटेंड नहीं करने वाला है। तो इस कारण ये इसका परिदृश्य है, विचारनाग मोहल्ला, और इसका एक महत्व रहा है। जब प्राचीन काल में आप अमरनाथ यात्रा पे निकलते थे यात्री, तो यहां भी पड़ाव एक होता था, विश्राम स्थली थी, हर मुकुट यात्रा पे जाते हुए भी यहां रुका जाता था। और ये जो नाग है विचार नाग, इसका मुख्य डीटी जो है ऐला पात्र नाग कहते हैं, और उसका उल्लेख हमको नीलमत पुराण में मिलता है और तीर्थ संग्रह में मिलता है जोनराज के। और ये ऐला पात्र नाग जो है वो इसका प्रिजाइडिंग नाग है, अधिष्ठाता, और यही ऐला पात्र नाग जो प्रसिद्ध गुलमर्ग में जिसे अल पत्थर कहते हैं कश्मीरी में, ये वही नाग है। और यहाँ दो और नाग हुआ करते थे पीर, जिसे दौद पत्थर और गंगबल कहते थे। और ये इतना प्रसिद्ध तीर्थ रहा है कि श्रीनगर में इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा थी, और मैं स्वयं आज 31 वर्ष से ज्यादा समय के बाद यहां आया हूं। सब कुछ बदल चुका है, स्मृतियां एक एक स्थल एक एक कोण के साथ जुड़ी हैं। ये वो स्थल है जहां के महंत केशव नाथ पंडित, जो मूल रूप से त्राल के थे, यहां 10 दिसंबर 1988 को अपने ही सुरक्षाकर्मी ने चिढ़कर उनकी हत्या कर दी थी। इस तरह जो कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई, तो उसकी पहली बलि जो चढ़े थे वो इसी विचारनाग के महंत थे, केशव नाथ पंडित। और उनकी स्मृतियां हैं, ये दो मंदिर हैं, और ऐला पात्र नाग मैंने जो कहा, श्रीवर नीलमत पुराण राजतरंगनी सर ऑरल्टस्टीन तक ने इनको किया। और इसी इलाके के पीछे एक जगह हुआ करती थी जिसे कहते थे उत्पल वन। उत्पल वन आज वपल वन के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में बहुत बड़े शैव आचार्य उत्पल देव की भूमि रही है, उनका निवास स्थान रहा है उत्पल देवाचार्य का, उत्पल वन। और उसके साथ ही यहां से बाहर जब आप जाएंगे, थोड़ा निकट ही इस जगह से नवाशहर जिसे आज हम कहते हैं, वहां आज भी एक मोहल्ला है जिसे श्री भट्टन मोहल्ला कहते हैं, श्री भट्ट का मोहल्ला कहते हैं, यानी श्री भट्ट वैद्य जो थे, जिन्होंने 14वीं-15वीं शताब्दी में कश्मीर का इतिहास बदला था। सिकंदर बुद्धशिकन के जुल्मों के सताए लोग जब भाग चुके थे, निर्वासन में जा चुके थे, और धर्मांतरण उत्पीड़न से बचे खुचे जो कश्मीरी पंडित यहां छिपे थे, उनमें ये वैद्य श्रीवट भी थे, और उन्होंने ही सिकंदर बुद्धशिकन के बेटे जैनुल आबदीन को यशस्वी राजा
भड़शा बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। हुआ यह था कि सिकंदर बुतशकन के बेटे जैनुल आबदीन की कोहिनी पर एक फोड़ा निकला था जिसका इलाज नहीं हुआ था। उस समय के ईरानी हिकमत जानने वालों से शीरेभट को ढूंढा गया, उसने उनका इलाज किया, ठीक किया और राजा ने कहा मुंह मांगा मांगो, तो उन्होंने अपनी मांगों में कश्मीरी पंडितों की वापसी मांग रखी थी जो उनके बाप के समय भाग गए थे, उन्हें वापस बुलाया, उनकी धार्मिक आजादी, उनकी बहाली, सब कुछ उन्होंने कहा कि धार्मिक आजादी की बहाली हो और यात्राओं पे प्रतिबंध जो लगे हैं वो उठाए जाएं, उनकी रिहैबिलिटेशन पुनर्वास हो। और उसके बाद सुल्तान जैनुल आबदीन ने उनसे बहुत खुश होकर उन्हें अपने दरबार में मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी बनाया था। और इस तरह 50 वर्ष जो कश्मीर के गोल्डन हिस्ट्री है उस समय के, उसके निर्माताओं में श्री भट्ट का नाम है और जैनुल आबदीन को बड़शाह कहा गया। कहने का अर्थ यह है कि उस महाश्री श्री भट्ट की भी ये जन्मस्थली है। उनकी एक दुकान हुआ करती थी जड़ीबल के पास, उनका निवास यहाँ होता था। तो यानी इस जगह ने 10वीं शताब्दी में उत्पल देव आचार्य दिए और 15वीं शताब्दी में श्री भट्ट। हम इस मंदिर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये पानी के से डूब चुका है। शिवलिंग इसके बीच में हुआ करता था वो डूब चुका है और इसलिए जरूरत है इसका पुनर्दान, इसका जीर्णोद्धार करने की। यहाँ मित्रों ने कहा कि ये सारे लोग पड़ोसी लोग आए हैं क्योंकि इस कुंड में मछलियों के चुगा डाला जा रहा है और बहुत उत्साह और एक आशावादिता का एक स्वप्न देखा जा सकता है कि जब कश्मीर में हालात सामान्य हो और लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी हो तो ये फूलेगा फलेगा। आज चूंकि नवरेह की अमावस्या है, यहाँ पितरों का श्राद्ध होता था और यहाँ इतिहास गवाह है कि यहाँ एक पूरा दिन एक कॉन्फ्रेंस होती थी। इस जगह का नाम विचार नाग इसीलिए है और देश विदेश से लोग यहाँ आकर के उस कॉन्फ्रेंस में आज के दिन पूरा डिस्कशन होता और इसीलिए इसका नाम विचार नाग है। यहाँ विचार विमर्श थिंकिंग फिलोसफी, यहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स देश के यहाँ आकर के इसी जगह पे कॉन्फ्रेंस करते थे। वो आज ही दिन था और दूसरे दिन कल जिसे नवरेह कहते हैं, नया वर्ष शुरू होता है। इस बार नवरेह का कैलेंडर 5097 कल शुरू होगा और यहाँ ही पंचांग रिलीज होता था। ये वही जगह है जहां सप्तऋषि संवत पर तमाम एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोनॉमर्स थिंकर्स फिलोसफर्स दार्शनिक यहां आते थे और यहां विचार विमर्श होता था। और इस तरह कश्मीर की फिलोसफी, कश्मीर की मनीषा के साथ ये जुड़ा हुआ स्थान है और जो अधिष्ठाता देव है एलापात्र नाग और इसका स्थान है।